कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, वादा आपसे किया कि 5 फरवरी के दिन आपको टॉप कराऊंगा। जी हाँ, इसी तरह का पेपर आपके लेकर आया हूं। एक बार इस पेपर को पूरा सोल्व कर लोगे ना तो मेरी जवाबदारी है आपको, ठीक है, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये तो आपका देखिए फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन पेपर जो मैं बता रहा हूं इनमें से याद करके आप जरूर जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? रामायण का बाबूजी पाठ करते थे। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास है। वीर रस का स्थाई भाव, वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। कृतवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का जो असली नाम है वो हो गया तारकेश्वर नाथ। ठीक है भैया, सूरदास के गुरु क्या थे? वल्लभाचार्य थे। सरोठा छंद के 4 चरण होते हैं और श्रृंगार रस में का स्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनवाई गई थी। तो वाली रचना देखिए, एक अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा, आदमी जात का आदमी। ठीक है, आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक। ये तीसरा है मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है, योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। ठीक है, वात्सल्य रस के, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? देखिए, वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं। ठीक है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। ठीक है भैया, यहां से देख लीजिएगा, सत्य और असत्य, सत्य असत्य संधि की 3 प्रकार की होती है क्या? ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सत्य, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल, किधी किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे, उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें। ठीक है, काम यानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये काम यानी कब जाएगा? ये सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए कंप्लीट। यदि आपका मन करे बाद में तो अलग से चीजें पढ़िए, पर जो बता रहे हैं पहला उनको पढ़ लीजिए। ये सॉल्यूशन बच्चों के द्वारा कोचिंग में नोट से तैयार करा रहे हैं, जैसे हो जाएगा कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। किन अब ज्यादा देर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2-4 दिन बाद देखोगे जब तक नोट से हो जाएगा। भगत जी, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में
चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका ये यहां से प्रतिदिन और माता पिता का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक को समझाइए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसका उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? नई कविता की दो विशेषताएं आपको बतानी है। यहां से देख लीजिएगा, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत विशेषता है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर लिखिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित मान। ये पहला है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेखक ने देखा तो मन में ये कमी खटकी कि उनकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था। ये सवारी से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है। ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। बिस्मिल्ला खां को सहनाई का नायक क्यों कहा गया? देखिए, सहनाई जो होती है ना, मंगली का अवसारों पर बनाई बजाई जाती है। जैसे जो हमारे खुशी का समारोह है ना, उन पर हमारी सहनाई बजाई जाती है। इसे मंगल ध्वनि, इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं। अर्थात तो वहां ध्वनि जो मंगलकारी हो, ठीक है भैया, मंगलकारी हो उसे अपन क्या कहते हैं? मंगल ध्वनि कहते हैं। और यहां ध्वनि प्रातः काल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर सहनाई की साधना में लगे। अब अगला है आपका, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो देखिए, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था, उस समय तन पर ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की जो भावना है उसने ही सुई धागे का आविष्कार किया होगा। धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े के पत्ते हो या कपड़े से तन ढकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई होगी। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत, ये भगत है ना, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा कह अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद जो भगत है ना, वो 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे, उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके बाल किस हो गए थे? सफेद हो गए थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। ठीक है, उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। ये आपका, ठीक है, ये आपका बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत की विशेषता है कि वो 60 वर्ष के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल सफेद हो गए थे, उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था, गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, इनकी भाषा शैली बतानी है, रचनाएं बतानी है। ये अपने एमपी बोर्ड में इतना ही आता है ना, कोई जीवन परिचय के अंतर्गत ज्यादा चीजें नहीं आती। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ।
तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय ना, ये आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछता है ना कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या किया, ये एमपी बोर्ड में नहीं आता है। यहाँ से जब भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसको, रचनाएं देखिए, अतीतों के देश में माटी की मूर्तें, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भाषा शैली में अपन बात करें तो भाषा आ जाएगी, इनकी भाषा कैसी थी, व्यवहारिक थी, इनमें सजीव सरलता, ठीक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है, मुहावरे, कहावते, ये मुहावरे कहावतों से भाषा की सुंदरता आ गई है। चलिए आगे देखते हैं शैली, इसकी शैली की जो विविध रूप है निम्न प्रकार के हैं, वर्णात्मक शैली है, सबसे पहली क्या है, वर्णात्मक शैली, इन्होंने किसी वस्तु अथवा, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा ये किसी वस्तु अथवा है, घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है समय करते समय इस शैली का उपयोग किया गया है, ठीक है। भावात्मक शैली, इस शैली यहाँ शैली इनकी प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता देखने को मिलती है। तीसरा है आपकी प्रतीकात्मक शैली, बेनीपुरी ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहा है। अब अगला है आलोचनात्मक शैली, तो बेनीपुरी की समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है भैया। अगला है आपका साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तो इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है, कि एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी का जो नाम है वो साहित्य में अमर रहेगा, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे आपका है यशपाल जी का, तो जैसा कि एमपी बोर्ड में ये आपका जीवन परिचय यहाँ से नहीं पूछता, रचनाओं से पूछता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये रचनाएं देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन, भाषा शैली। तो भाषा, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की, कौन सी भाषा में की इन्होंने, व्यवहारिक, इन्होंने तद्भव तत्सम शब्द का, देशज विषेद विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, और मुहावरे और एवं लोकोक्तियों से आपकी भाषा में चमत्कार आ गया है। शैली, शैली में क्या है, इनकी शैली, इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं, वर्णात्मक शैली, यशपाल ने घटना, स्थिति, वातावरण आदि पर वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए इस शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग तथा हास्य का व्यंग विधान किया है। चलिए अगला देखते हैं, तो साहित्य में स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरणीय किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसमें आपका मुहावरा दे गया, अंधों में काना राजा तो मूर्खों में मध्य अल्पज्ञ। पांचवी पास राजेश के गांव में सभी अनपढ़ है, इसलिए अपने गांव में वहां अंधों का काना राजा के समान। यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, इसका अथवा लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो प्रत्यक्ष अनुभव की घटित होने होते रहते देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगों की नवीनता, लघु मानववाद, प्रतिष्ठा। नई कविता के दो प्रमुख कवि है नरेश मेहता, कुंवर नारायण सिंह, हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है उसको देखते हैं,
देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है इसमें, ये अपना मैंने पहले बता दिया आपको कि एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, यहाँ से पूछी जाएगी रचनाओं से, है ना। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, ये सब क्या है, तुलसीदास जी की रचना। यदि हम बात करें तो इनकी काव्यगत विशेषता होगी तो यहाँ से देख सकते हैं भाव पक्ष, है ना, भक्ति भावना। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति में असीम दैन्य अनन्य आत्मा का समर्पण है, ये हो गया उनका भाव पक्ष में पहले भक्ति भावना। दूसरा जाएगा समन्वयवादी विचार, इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, राम भक्त होते हुए भी ये सभी देवी देवताओं को वंदना की। अच्छा बात यहाँ पर आती है कि दो नंबर का आएगा सर तो इतना बड़ा लिखेंगे क्या, नहीं, फिर अपन क्या करते थे हेडिंग भी लिख सकते हो बस, लोक मंगल का भाव, रसों की प्रधानता। तो तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि एक तरह के, इन्होंने कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का अद्भुत चित्रण किया है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो रसों की प्रधानता हो गई, अद्भुत रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा इसका भाषा, तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहां तहां अरबी फारसी को भी के भोजपुरी बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी इनमें मिल जाते हैं। चलिए तब इसके आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए छंद में तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा और सवैया, कविता आदि छंदों का प्रयोग किया है ना। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी शैली हो जाएगी और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में जो अगला है ना वो आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना, यहां से ये तो अपने एमपी बोर्ड में आता नहीं है, यहाँ से रचना है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, अनिमा है, बेला, आराधना, अपरा, गीत कुंज, नए पत्ते, जो जमे तीन चार याद रख लेना बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये काव्यगत विशेषता हो, अच्छा एक तो तरीका ये है और शॉर्टकट तरीका ये भी आप लिख सकते हैं कि इनके काव्य में, यहीं से आगे लिख देना है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं, या तो फिर इस तरीके से आप लिख देना है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राष्ट्रीयता जाएगा। कला पक्षों की बात करें तो भाषा जो है भावों के अनुरूप इनकी बदलती जाती है, देश प्रेम तथा भक्ति परक की कविताओं